स्टूडेंट, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे डॉट प्रोडक्ट और आज का जो लेक्चर होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। हेडिंग दिया हमने क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसको कहते हैं जरा उसको समझे। अगर ये मेरा वेक्टर ए है और ये है मेरा वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल ये थीटा, अगर हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, मीन्स इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू साइन एंगल बिटवीन देम। कैसे डिफाइन करेंगे? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू साइन एंगल बिटवीन देम। अगर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, आप देखो ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। एक कोई भी वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस पे है और ये मेरा वेक्टर बी है जो एक्स ओ वाई प्लेन में है, ये एंगल थीटा है। और इस बी का कंपोनेंट इधर हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट मेरा हो जाएगा बी साइन थीटा। तो पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया था कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए बी कॉस थीटा, जो क्या होता था डॉट प्रोडक्ट होता था, डॉट प्रोडक्ट। और ये दोनों को अगर हम कर देते हैं तो ये मेरा हो जाता है क्या ए बी साइन थीटा, ये मेरा क्या हो जाता है, यही हो जाता है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द, मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए, इनटू कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, मींस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। मींस सेकेंड वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है बी साइन थीटा, मींस बी साइन थीटा को के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, तो ये मेजरमेंट मेरा दे देगा ए बी साइन थीटा। क्लियर है? कैसे डिफाइन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को? तो फर्स्ट नंबर का डेफिनेशन था नंबर वन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू साइन एंगल बिटवीन देम। या हम बोल सकते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर टू गिव द मेजरमेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा मेरा ए बी साइन थीटा होगा। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है, मीन्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट नंबर का प्रॉपर्टीज होगा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। मीन्स लिख सकते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। नंबर टू में अगर हम चले, अगर हमने लिखा यहां पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, फिर यहां पे हमने कर दिया ये भी वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब यहां से यहां जाएंगे तो ये मेरा थीटा पॉजिटिव होता है, अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है। अगर इसमें हम करें ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी मेरा हो जाएगा ए बी साइन थीटा। यहां पे फर्स्ट वेक्टर बी है, अगर हम करें बी क्रॉस ए इक्वल टू बी ए साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है साइन माइनस थीटा
इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, बट कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। तो यहां का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए माइनस साइन थीटा, सो इट इज इक्वल टू माइनस बी ए साइन थीटा। क्लियर है? अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहां पे एन कैप से दिखाएंगे, यहां भी हम एन कैप से दिखाएंगे। एन कैप से इसलिए हम दिखा रहे हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसमें डायरेक्शन होगा। आप देख रहे हो यहां पे ए क्रॉस बी जो है मेरा इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल इक्वल नहीं है। मीन्स दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मीन्स दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, ए डॉट बी इक्वल होता था बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे द लॉ कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया। अगर हम यहां पे देखें थर्ड नंबर का प्रॉपर्टीज देखते हैं, थर्ड नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है? अगर हमने लिखा वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये होगा, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मीन्स दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। नंबर फोर में अगर हम देखें ए थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, अगर थीटा जीरो डिग्री होगा तो हम यहां पे लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन जीरो डिग्री एन कैप, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, जीरो एन कैप, ये कौन सा वेक्टर हो गया? नल वेक्टर। नल वेक्टर में क्या होता था? मैग्नीट्यूड इज जीरो बट डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, एन कैप पता नहीं आई है या जे है या के है या आई और जे किसी के बीच का है। सो नल वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, ये मेरा जब दो वेक्टर को जीरो डिग्री पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स जब दो वेक्टर मेरा पैरेलल होगा तो थीटा जीरो डिग्री, मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगर इसी को हम देखें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर के टर्म में क्या होगा? हम जानते हैं यूनिट वेक्टर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यहां पे मेरा आई होता है, ये मेरा जे होता है और ये क्या होता है? के होता है। अगर हम यूनिट वेक्टर के टर्म में देखें, अगर हम लिखें आई क्रॉस आई, यहां पे क्या हो जाएगा? आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड साइन कितना डिग्री? जीरो डिग्री, ऑल आर इक्वल टू जीरो। अगर जे क्रॉस जे करें तो जे का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड साइन कितना डिग्री? जीरो डिग्री, ऑल आर इक्वल टू जीरो। अगर के क्रॉस के करें तो के का मैग्नीट्यूड, फिर के का मैग्नीट्यूड साइन जीरो डिग्री, ऑल आर इक्वल टू जीरो। मतलब ये हो गया आई क्रॉस आई इक्वल हो जाएगा जे क्रॉस जे इक्वल हो जाएगा के क्रॉस के, ऑल आर इक्वल टू जीरो। बट डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन होता था, जे डॉट जे वन होता था, के डॉट के भी वन होता था, बट इन क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ऑल आर इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अगर हम यहां पे देखें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, नंबर कितना होगा? नंबर थर्ड टू फाइव नंबर में ए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा तो यही होगा। आप देख लो यहां पे लिखेंगे ए क्रॉस बी ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? वन, तो ए बी हो जाएगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? अगर इसी को हम देखें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, अब हम यहां पे क्या करते हैं इसको मिटाता हूं। अगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखें क्रॉस प्रोडक्ट को, इन टर्म्स ऑफ इन
टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहां पे हमने बनाया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई, ये है जेड, और इसको हमने कर दिया ये आई है, ये मेरा क्या है जे है, और ये मेरा क्या है के है। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देंगे, नहीं तो स्क्रू रूल से। आप जानते हो स्क्रू से अगर हम क्या करते हैं, अगर स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो टाइट होगा, अगर हम ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो बाहर होगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर हम डालेंगे ऐसे तो अंदर जाएगा स्क्रू, अगर एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो स्क्रू क्या होगा बाहर आएगा। मीन्स दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होगा और उसका डायरेक्शन स्क्रू रूल से नहीं तो राइट हैंड रूल से देखते हैं। पहले हम विदाउट स्क्रू रूल और विदाउट राइट हैंड रूल से समझा रहा हूं। अगर हमको यहां पे करना है आई क्रॉस जे, तो आप देखो सिंपल सा मेथड है, आई क्रॉस जे करेंगे तो उसके आगे क्या है के, तो के हो जाएगा। अगर हम करते हैं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो उसके आगे क्या है जे क्रॉस के, उसके आगे क्या है आई, ये मेरा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। फिर अगर हम करें के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई तो उसके आगे क्या है जे, ये रिपीट हो रहा है। आप देखो एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो मेरा क्या है पॉजिटिव है, ये हम किधर जा रहे हैं ए सी डब्ल्यू, इसका मतलब हो गया एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे लिखें सी डब्ल्यू मीन्स क्लॉक वाइज डायरेक्शन में देखें, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, जे क्रॉस आई उसके आगे क्या है मेरा के, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस के, रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन को। फिर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करेंगे तो उसके आगे क्या है जे, ये क्या हो जाएगा माइनस जे। फिर मेरा क्या है नेक्स्ट के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो के से जे जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आई। क्लियर है यहां तक? इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन लेते हैं, मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। अगर हम I क्रॉस J करके दिखाएं, तो आप देखो I इधर है, J इधर है और K किधर है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर हम I क्रॉस J करते हैं, I क्रॉस J हैंड को मोड़ करके J की तरफ ला रहे हैं, थंब किधर है मेरा K, तो आप देखो I क्रॉस J क्या है K। फिर हमको करना है J क्रॉस K, J ये है मेरा, K परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो हाथ को ऐसे रखेंगे, जे को के की तरफ ले जाएंगे, मेरा थंब किधर जा रहा है आई की तरफ, सो जे क्रॉस के क्या होगा आई। फिर के क्रॉस जे है तो के को जे की तरफ ले जाना है, के क्रॉस आई है नॉट जे, के क्रॉस आई, के मेरा क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हाथ को ऐसे रखेंगे तो के क्रॉस आई, थंब किधर गया जे, यहां पे क्या लिखा हुआ है जे। अब देखो J क्रॉस I, J को I की तरफ लेके जाएंगे, अगर हम हाथ को ऐसे रखते हैं तो नहीं मूव करेगा हाथ, हम ऐसे रखेंगे तो चला जाएगा, तो J को I की तरफ जाएंगे, थंब किधर जा रहा है इन साइड द बोर्ड, इन साइड द बोर्ड क्या होगा माइनस K। फिर K क्रॉस I क्रॉस K, I को K की तरफ ले जाना, तो हाथ को ऐसे रखेंगे I को K की तरफ, मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मीन्स जे का उल्टा आ रहा है माइनस जे। फिर के को जे जाएंगे तो के मेरा किधर है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा, के को जे की तरफ मोड़ेंगे तो थंब किधर आएगा माइनस आई। क्लियर है यहां तक? आप इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, देखते हैं आगे क्या है, यहां तक ठीक है? मीन्स आई क्रॉस जे क्या आएगा के, जे क्रॉस के क्या आएगा आई। अगर हम एंटी क्लॉक वाइज में मूव करते हैं तो क्या होगा पॉजिटिव, क्लॉक वाइज में जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव। मींस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड
स्क्रू रूल। क्लियर है, चलते हैं आगे क्या है। अगर हम यहां पे क्वेश्चन देते हैं आपको, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ए में ए बी, नंबर बी में जीरो, नंबर सी में ए बी बाई टू, नंबर डी में ए बी बाई रूट टू एंड नंबर ई में रूट थ्री ए बी बाई टू, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। इसको बनाएंगे, अभी आपको हमने पढ़ाया ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय ए बी। क्लियर है? ए क्रॉस बी बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है एंगल का रहा निकालने के लिए साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे ए क्रॉस बी बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए बी, तो ए बी बाय ए बी, तो ए बी बाय ए बी कितना हो जाएगा वन। क्लियर है? ए बी बाय ए बी कितना होगा वन, वन कितना डिग्री में होता है साइन, साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो डिग्री और साइन साइन 90 डिग्री। क्लियर है? साइन कितना होगा 90 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। जब दोनों के बीच दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मीन साइन 90 डिग्री में वन होता है, सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री। नंबर बी में क्या कर रहा है, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय ए बी, और ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा जीरो, तो जीरो बाय ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो डिग्री में जीरो होता है, सो थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री। क्लियर है? नंबर सी में क्या कर रहा है, सी में बनाएंगे फिर साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय ए बी, और ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए बी बाई टू, नीचे में ए बी, ए बी ए बी कैंसिल वन बाय टू, साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू होता है साइन 30 डिग्री में, सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? सी डी में क्या कह रहा है, डी में साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे ए क्रॉस बी बाय ए बी, और ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है ए बी बाय रूट थ्री। क्लियर है? कितना है ए बी बाय रूट थ्री, ए बी बाय रूट थ्री, और ये ए बी रह जाएगा, ये कैंसिल, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय रूट थ्री। क्लियर है यहाँ तक? ई नंबर में क्या कह रहा है, ई नंबर का है, ई नंबर में साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय ए बी, ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट थ्री ए बी, तो रूट थ्री ए बी बाय टू ए बी, रूट थ्री बाय टू, ये कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाय टू मीन साइन 60 डिग्री में रूट थ्री बाय टू, सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? मिटा दे, मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे ए डॉट बी इक्वल होता है ए क्रॉस बी का, इसका क्या होगा ए बी
कॉस थीटा, ए बी कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स 45 डिग्री पे ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस ए। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे बोले, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए का इक्वल हो जाए इफ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे बी ए साइन थीटा। क्लियर है? अब इसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से अभी हम आपको क्या बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट से हम बताए थे आपको कि राइट हैंड रूल से डायरेक्शन लेते हैं, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। ठीक है, क्लियर है? अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे तो किधर होगा आउटसाइड, और बी क्रॉस ए करेंगे तो किधर होगा इनसाइड। मींस एक आउटसाइड और एक इनसाइड, तो दोनों के बीच एंगल थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। जब दो वेक्टर 180 डिग्री पर होगा, ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा किसका, बी क्रॉस ए का। क्लियर है? क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन करवा चुके थे, एससीबी का एक्सरसाइज का करवा रहे हैं, 10 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 मीटर, और दूसरा वेक्टर क्या है बी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर का है। क्लियर है? तो कहता है दोनों के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है, देन फाइंड स्केलर प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नंबर ए में कह रहा है निकालने के लिए स्केलर प्रोडक्ट, और नंबर बी में क्या निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम नंबर ए बनाए स्केलर प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को कहते थे, ए बी कॉस 60 डिग्री, ए मेरा दिया 2 × 3 कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ये कैंसिल मीन्स 3 मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? नंबर बी वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी साइन 60 डिग्री, और इसमें डायरेक्शन भी होगा, तो ए बी, तो ए कितना है 2, बी कितना है 3, साइन 60 डिग्री √3/2, ए कैंसिल, ये हो जाएगा 3√3 m² एन कैप। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 का बता चुके थे आपको हम, 12 नंबर बता चुका हूँ क्वेश्चन, इससे पिछले क्लास में 12 नंबर का बता दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 3j + 4k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i + 4j + 5k, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो आप एंगल डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट से ज्यादा आसानी से एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें हम पढ़े हैं डॉट एंगल निकालते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है इक्वेशन 1। अब ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ए डॉट बी निकालेंगे तो आपको बोले तो आई आई 1 होता था, 3 × 2 = 6, फिर 4 × 3 = 12, फिर 5 × 4 = 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा 6 × 2 = 8, ठीक है 2 × 1 = 3, 38 हो जाएगा मेरा डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू। फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना हो जाएगा √2² 4 + 3² 9 + 4² 16, ठीक है ये मेरा हो जाएगा 16 × 25 = 4 = 29 √29। फिर बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, बी का मॉडुलस निकाल लेंगे हम, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, ये मेरा हो जाएगा √50,
ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 2 का अंडर रूट मीन्स 5√2। क्लियर है? 25 गुना 50। अब हम फ्रॉम इक्वेशन वन में, कॉस थीटा ए डॉट बी कितना निकले हैं, 38। क्लियर है? और ए का मैग्नीट्यूड कितना, √129 √2। सो थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 38 बाय √129 √5। अब इसका वैल्यू हम टेबल में देख लेंगे, वही आपका आंसर होगा, नहीं तो इतना भी छोड़ देंगे, वो मेरा सही रहेगा। 13 का इतना ही दिया हुआ है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसके बाद हम बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 देख ले। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। प्रूफ करके बताइए कि ए डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हम क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। इस एक्सिस पर हम लेट कर लेते वेक्टर ए है, इस एक्सिस पे वेक्टर बी है, इसको हम आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो हम चलते हैं फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस, तो ए डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो ए किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को हम क्या लिखते हैं, आई डॉट, ये मेरा क्या है, आई क्रॉस जे। क्लियर है? फिर आई डॉट आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे के आएगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, के। क्लियर है? फिर आई डॉट के और आई डॉट के का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अभी क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे तब निकलवाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स वाई एंड जेड। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ये आई, इसको हम कहेंगे जे, इसको कहेंगे क्या, के। तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कहता है प्रूव दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। कहता है प्रूफ करके बताइए कि वेक्टर सी क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस, ये मेरा सी है, सी क्या है मेरा, वेक्टर के क्रॉस आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू निकालना है। वेक्टर के क्रॉस आई क्रॉस जे को क्या बोलेंगे, के। आप जानते हो के क्रॉस के का वैल्यू क्या होता है, 0। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बाय।